नया यूज़र बनाना है, अगर हमें सेम जैसे हमने माई इंडिया सर्विस के थ्रू यहाँ पे लॉग इन किया है ना, ये माई इंडिया सर्विस के थ्रू पोस्टर आएगी, पेजेस बनेंगे। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे नया यूज़र बनाए तो नया यूज़र में ऐड न्यू यूज़र भी यहाँ से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट ऐड न्यू यूज़र पे जाओगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी, जैसे अगर मैंने आपको सचिन दे दिया, सचिन यहाँ पे सचिन दे दिया, ये हमारा यूज़र नेम हो जाएगा। और ईमेल आईडी जैसे आपको अपनी ईमेल आईडी बताना क्या रहेगा, mr. डॉट क्या mr. डॉट डॉट अंशु गुप्ता क्या ANSHU। इसमें यूज़र नेम ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसी के अकॉर्डिंग हमें ध्यान दे करके लेना होता है। बाकी ईमेल आईडी तो हमारा जब कभी पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो रिकवरी के लिए होता है पासवर्ड। बाकी यहाँ पे फर्स्ट नेम हमने जो भी देना होता है हम यहाँ से देंगे। और बाकी यहाँ पे वेबसाइट अगर है हमारी तो हम खुद की वेबसाइट डाल सकते हैं, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें सब्सक्राइबर हाँ ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसमें हमारे पास पासवर्ड यहाँ पे खुद से डिसाइड करना, तो यहाँ से हम पासवर्ड डाल सकते हैं। तो पासवर्ड के लिए हमने यहाँ से कुछ भी डाल दिया। यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद हमारे पास इसमें होता है सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर करेंगे तो उसके पास कोई परमिशन नहीं होगी, केवल नोटिफिकेशन रिसीव कर सकता है बस जो भी हमारे साइट से अपडेट होगा। अदरवाइज इसमें जैसे कंट्रीब्यूटर होगा तो कंट्रीब्यूटर में केवल पोस्ट डाल सकता है बट एडिट नहीं कर सकता, केवल पोस्ट डाल सकता है बट उसमें कोई एक बार डल गई पोस्ट तो डल गई, उसमें एडिटिंग नहीं कर सकता है। अगर हमने एज अ कंट्रीब्यूटर अगर कर रखा है तो, अगर हमने ऑथर किया है तो पोस्ट को डाल भी सकता है, एडिट भी कर सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है। अगर हमारा एडिटर है तो पोस्ट भी डाल सकता है और पेज भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और बट यूज़र वगैरह बनाना होगा तो वो बना नहीं सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जैसे एडिटर डाला और एडिटर के बाद हमने ऐड न्यू यूज़र किया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक नया यूज़र क्रिएट हो जाएगा। अब हम इस यूज़र की हेल्प से हम किसी और पे लॉगिन करना चाहेंगे तो हम आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। कैसे लॉगिन करेंगे, आप सेम ब्राउज़र पे तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी एक लॉगिन है, तो या तो इनकॉग्निटो विंडो ओपन करिए या तो एक नया ब्राउज़र ओपन करिए। फिर से यहाँ से हम क्या करेंगे, माई इंडिया सर्विस का हमने देखा था WP एडमिन हम यहाँ पे लिखते हैं, और इसमें यूज़र नेम जो भी हमने दिया था वो डाल देंगे यूज़र नेम, और फिर से हमने पासवर्ड यहाँ पे जो भी दिया था उसको पुट करके यहाँ से हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर ये सही रहा तो हमारा डैशबोर्ड पे आसानी से लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि किस नाम से लॉगिन है और क्या क्या फैसिलिटीज इसके पास है। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए हमारे पास पोस्ट क्रिएट कर सकता है, मीडिया है, पेजेस का कमेंट्स, टेम्पलेट्स, अपीयरेंस में थोड़ा सा हेडर की सेटिंग वगैरह कर सकता है, प्रोफाइल अपनी चेंज वगैरह कर सकता है। तो इसमें लिमिटेड फैसिलिटी होगी अगर हम एडमिन के कंपेरिजन में देखेंगे तो। यहाँ पे कोलैप्स मेन्यू करेंगे तो ये थोड़ा सा ये छोटा हो जाएगा मेन्यू, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो बड़ा मेन्यू हो जाएगा। तो बस सिर्फ इतना सही रहेगा।